हेलो दोस्तों, सृष्टि एजुकेशन हाउस में मैं विवेक कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल का पूरा निचोड़ करवाने जा रहा हूं, जो 12 फरवरी को होने वाला बीपीएससी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना समय का विलम्ब किए हुए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये रहा पहला प्रश्न आप लोगों के सामने, बिहार राज्य का स्थापना कब हुआ था? तो 12 मार्च 1912 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दूसरा नंबर, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार ने प्रांत के रूप में कार्य कब शुरू किया? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी से। नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है, बिहार सरकार के वेबसाइट के अनुसार बिहार का क्षेत्रफल कितना है? तो ये है 98,940 वर्ग किलोमीटर। लेकिन अगर ऐसे पूछ दे बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगर उसमें लगा दे बिहार सरकार की वेबसाइट के अनुसार क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तभी टिक कीजिएगा 98,940 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, चौथा नंबर, बिहार का राजकीय पशु बैल को मान्यता कब मिली? तो ये 2013 ईस्वी को बिहार का राजकीय पशु बैल को मान्यता मिला था। इससे पहले यानी बैल से पहले बिहार का राजकीय पशु रिछ था। दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा, भालू को ही रिछ कहा जाता है। नेक्स्ट पांचवा नंबर प्रश्न देखिए, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? ये गेंदा है। नेक्स्ट देखिए, छठा नंबर प्रश्न है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो गौरैया। दोस्तों, गौरैया से पहले बिहार का राजकीय पक्षी जो था वो नकता, इसे ही नीलकंठ बोला जाता है। तो नीलकंठ था गौरैया से पहले बिहार का राजकीय पक्षी। नेक्स्ट सातवां नंबर देखिए, बिहार का लंबाई उत्तर से दक्षिण एवं चौड़ाई पश्चिम से पूरब कितना है? दोस्तों, पहले मैप में ये समझिए आप लोग, देखिए लंबाई जो होता है ये उत्तर से दक्षिण होता है और जो चौड़ाई होता है वो पश्चिम से पूरब। तो लंबाई पूछा है और चौड़ाई, तो लंबाई 345 किलोमीटर है और चौड़ाई 483 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखिए, आठवां नंबर प्रश्न है दोस्तों, बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है 10,40,99,452। तो आप लोगों को एकदम एग्जैक्ट याद करना है, क्योंकि बीपीएससी में बिल्कुल डायरेक्ट प्रश्न दे देता है, एकदम लास्ट डिजिट तक आप लोगों को मिलाना पड़ जाएगा। तो मोबाइल नंबर की तरह आप लोग याद कर लीजिएगा, 10,40,99,45,2 या जिस भी तरह याद होता है वैसे याद कर लीजिएगा। तो बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? 10,40,99,452, ये 2011 के जनगणना के अनुसार। दोस्तों, अभी जो भी जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा वो 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछेगा, क्योंकि उसके बाद का जो जनगणना होना था वो अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट देखिए, 9वां नंबर प्रश्न है, बिहार का पुरुष एवं महिला जनसंख्या कितना है? तो पुरुष जनसंख्या है 5,42,78,157 और महिला जनसंख्या 4,98,21,295। आप लोग इसे एग्जैक्ट नहीं भी याद कर सकते हैं, अगर याद कर लेते हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन आप लोगों को ये आठवां नंबर प्रश्न को एकदम एग्जैक्ट याद कर लेना। तो आप लोग इसे एग्जैक्ट नहीं भी याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 5,42,00,000 सीधे याद रख सकते हैं और 4,98,00,000। नेक्स्ट देखिए, 10वां नंबर प्रश्न है, बिहार में नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, नगरीय जनसंख्या 11.3% और ग्रामीण जनसंख्या 88.7%। इन सबों का एकदम एग्जैक्ट याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी में डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। 11वां नंबर देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर जब भी ज्ञात किया जाता है तो दो जनगणना के बीच से ज्ञात किया जाता है, तो ये 2001 से 11 के बीच
जो बिहार का जनसंख्या वृद्धि दर था वो 25.4% था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 12वां नंबर प्रश्न है, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ये सब एकदम एग्जैक्ट याद कीजिएगा। 13वां नंबर, बिहार का एकमात्र महानगर कौन है? तो ये पटना है, काफ़ी इजी प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए, बिहार में पुलिस जिला की संख्या कितनी है? तो पुलिस जिला की संख्या 40 है, लेकिन अगर आप लोगों को बिहार में जिला की संख्या पूछे तो सिर्फ 38 ही लगाना है, लेकिन अगर पुलिस जिला पूछ दे तो 40 टिक करना है आंसर में। नेक्स्ट देखिए, 15वां नंबर प्रश्न, 15वां नंबर प्रश्न है, बिहार में प्रखंड एवं अनुमंडल की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, प्रखंड की संख्या 534 है और अनुमंडल की संख्या 101 है। नेक्स्ट देखिए, 16वां नंबर, राज्यों का पुनर्गठन के समय बिहार का कौन सा हिस्सा पश्चिम बंगाल को दे दिया गया था? तो ये पुरुलिया एवं किशनगंज के कुछ हिस्सा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग जब लागू हुआ था तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, तो ये किशनगंज और पुरुलिया के कुछ हिस्से पर बंगाली भाषा बोला जाता था, जिसके कारण पश्चिम बंगाल को वो हिस्सा काट कर देना पड़ा था बिहार को। नेक्स्ट देखिए, 17वां नंबर, बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो ये 918:1000, यानी 918 महिला पर 1000 पुरुष है। तो आप लोग इस सारे प्रश्न को एकदम एग्जैक्ट याद कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 18वां नंबर प्रश्न, 61% कितना है? तो ये 61.80%। अब नेक्स्ट देखिए, बिहार का पुरुष एवं महिला साक्षरता कितना है? दोस्तों, इसको हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगा लेंगे ताकि याद करने में आसान हो। दोस्तों, बिहार का जो साक्षरता दर है 61.80% है, इससे आप लोग 10 आगे कर दीजिएगा ऊपर तो 71.20% आप लोगों को पुरुष साक्षरता हो जाएगा, और इससे 10 नीचे कर दीजिएगा तो आप लोगों का ये महिला साक्षरता आ जाएगा। तो 51.50 महिला साक्षरता है और पुरुष साक्षरता 71.20 है। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को दशमलव के बाद का भी जो डाटा है उसको एग्जैक्ट याद करना है। ये सिर्फ रेंज में 61, 71 और 51 के लिए मैं बताया हूँ, बाकी दशमलव के वो साइड वाला भी पूरा आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, 20वां नंबर प्रश्न, बिहार में ग्रामीण साक्षरता का प्रतिशत कितना है? 59.78%। नेक्स्ट देखिए, बिहार का शहरी साक्षरता दर कितना है? तो ये 76.86%। नेक्स्ट, 12वां नंबर प्रश्न देखिए, बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में प्रमंडल की संख्या 9 है। अब आप लोगों को ये भी याद करना है कि कौन कौन से प्रमंडल हैं। तो ये पहला नंबर में देखिए, पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर और मुंगेर। नेक्स्ट देखिए, 23वां नंबर प्रश्न, बिहार में विधानसभा एवं विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा की सदस्यों की संख्या 243 है और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। नेक्स्ट देखिए, 24वां नंबर, बिहार में लोकसभा एवं राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा सदस्य की संख्या 40 है, लोकसभा सदस्य या सीट भी बोल सकते हैं, और विधान राज्यसभा का सीट 16 है। नेक्स्ट देखिए, 25वां नंबर प्रश्न, है, बिहार विधानसभा में एससी एवं एसटी के लिए कितने सीट आरक्षित हैं? तो दोस्तों, 40 सीट आरक्षित हैं विधानसभा में, जिसमें एससी के लिए 38 सीट आरक्षित हैं और एसटी के लिए 2 सीट आरक्षित हैं। नेक्स्ट देखिए, 26वां नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा जिला कौन है? तो सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण
और सबसे छोटा जिला शिवहर। नेक्स्ट देखिए 27वां नंबर, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो ये पटना है, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अगर पूछ दे तो ये शेखपुरा हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि ये काफ़ी इजी टाइप प्रश्न है, लेकिन नहीं दोस्तों, यही सारे प्रश्न में कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए मैं जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो इजी टाइप भी हो, उसको भी मैं लिया हूँ। अगर आप लोगों को याद भी रहेगा तो वो रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 28वां नंबर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये मधेपुरा है। मधेपुरा का दशकीय वृद्धि दर कितना था? 31.12%। वही अगर पूछ दे सर्वाधिक सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन था बिहार का, तो ये गोपालगंज हो जाएगा। इसका दशकीय वृद्धि दर कितना था? 19.02%। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मधेपुरा वाला आप लोग याद कर लीजिएगा, 31.12%। नेक्स्ट देखिए 29वां नंबर प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? दोस्तों 29वां नंबर प्रश्न में पूछा गया है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है, तो ये है शिवहर। अब शिवहर का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए 30वां नंबर प्रश्न, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? तो ये कैमूर है। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है? 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए 31वां नंबर, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ये गोपालगंज है। इसका लिंगानुपात है जो 1021 महिला प्रति 1000 पुरुष है। नेक्स्ट देखिए 32वां नंबर प्रश्न, बत्तीस नंबर में है, सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ये मुंगेर है। मुंगेर का लिंगानुपात 876 महिला प्रति 1000 पुरुष था। ये सब एकदम एग्जैक्ट आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बीपीएससी में बनता ही रहता है। नेक्स्ट देखिए 33वां नंबर, सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये रोहतास है। इसका साक्षरता दर है 73.37%। नेक्स्ट देखिए 34वां नंबर, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये पूर्णिया है। इसकी साक्षरता दर है 51.08%। नेक्स्ट 35 नंबर देखिए, सबसे अधिक एवं सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, एवं सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। नेक्स्ट 36 नंबर देखिए, सर्वाधिक गर्म एवं ठंडा जिला कौन है? तो ये दोनों में गया हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर गया हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 37 नंबर, बिहार का सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन है? तो ये गंडक परियोजना है। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न देखिए, बिहार की जलवायु कैसी है? तो ये जलवायु बिहार की जो है मानसूनी है। नेक्स्ट 39वां नंबर देखिए, सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? सहरसा है सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला। तो दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये सहरसा है। ये प्रश्न बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए 40वां नंबर प्रश्न, 40 नंबर में है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो ये लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट देखिए 41वां नंबर प्रश्न, 41 नंबर में है, अशोक के शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था? तो दोस्तों पाली भाषा का प्रयोग हुआ था अशोक के शिलालेख में। नेक्स्ट देखिए 42 नंबर, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुक्ता किसका बना हुआ था? तो ये लकड़ी का बना हुआ था। नेक्स्ट देखिए 43वां नंबर प्रश्न, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है?
ये 15 अधिकरण में विभाजित है। ने देखिए 44 नंबर, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में बिहार को मिलाया था? तो ये अकबर ने मिलाया था। कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में। ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। नेक्स्ट देखिए 45वां नंबर प्रश्न, 45 नंबर में है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? तो मलिक जानी को नियुक्त किए थे। नेक्स्ट देखिए 46 नंबर, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यान ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा, छपरा के आंदोलन में राहुल सांकृत्यान 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। नेक्स्ट देखिए 47वां नंबर प्रश्न, हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? ये 1921 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 48 नंबर देखिए, बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 ईस्वी को हुआ था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन। नेक्स्ट 49वां नंबर देखिए, त्रिवेणी नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? गंडक नदी से। दोस्तों आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन देखा था कि त्रिवेणी नहर को बिहार की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो गंडक परियोजना, यही नहर है त्रिवेणी नहर, जो बिहार की सबसे बड़ी नहर परियोजना है। नेक्स्ट देखिए 50वां नंबर, जो आज का आखिरी प्रश्न है, ककोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये नवादा जिला में स्थित है। दोस्तों ये था आज का आखिरी प्रश्न। आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा, और जो भी छात्र चैनल पर नए होंगे वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, और सभी दोस्तों से मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।